खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में विराट कोहली का मोम का पुतला खास वर्ल्ड कप के लिए लगाया गया है। इस पुतले की खास बात यह है कि विराट ने इसके लिए अपना बल्ला, ग्लव्स और जूते दिए हैं। वर्ल्ड कप के बाद विराट का ये पुतला म्यूजियम से हटा लिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर एडम जैम्पा को आईसीसी ने फटकार लगाई है। दरअसल जैम्पा गुरुवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में गाली गलौज करते हुए पाए गए थे। जैम्पा को आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 के उल्लंघन का दोषी पाया गया। जैम्पा को आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.3 के उल्लंघन में फटकार लगाई गई है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का कहना है कि रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया 3 तेज गेंदबाजों के साथ उतर सकती है। गुरुवार को हुए मैच में ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों के खिलाफ संघर्ष करता नजर आया था। ऐसे में बुमराह, शमी और पांड्या ऑस्ट्रेलिया को परेशान कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और महान क्रिकेटर एलन बॉर्डर ने टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरा बताया है। हालांकि एलन साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के प्रदर्शन से संतुष्ट नजर नहीं आए। बॉर्डर ने कहा, भारतीय टीम में कुछ कमजोरियां हैं, लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह जैसे विश्व स्तरीय खिलाड़ी भारतीय टीम को एक मजबूत चुनौती बनाते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की जीत के हीरो रहे कुल्टर नाइल ने कहा है कि हो सकता है कि भारत के खिलाफ कल होने वाले मैच में उन्हें टीम में जगह ना मिले। दरअसल तेज गेंदबाज नाइल ने विश्व कप में 2 मैचों में एक भी विकेट हासिल नहीं किया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ कुल्टर ने 10 ओवर में 70 रन देकर एक भी विकेट नहीं लिया। कल 9 जून को लंदन के ओवल में भारत वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का मैच खेला जाएगा। विश्व कप भले ही इंग्लैंड में हो रहा है, लेकिन बर्मिंघम में होने वाले इंडिया और इंग्लैंड के मुकाबले में इंडिया ही गूंजेगा। दरअसल मैच इंग्लैंड में होने के बावजूद भारत इंग्लैंड मैच के 55% टिकट भारतीय प्रशंसकों ने ही खरीदे हैं।